तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेसी। फ्रेंड, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन स्टैम्प के बारे में बताने वाला हूं। तो ये फ्रेंड आपके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्टैम्प के बारे में। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प का जो नाम है वो चौधरी देवी लाल फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया स्टैम्प है। फ्रेंड, इस स्टैम्प को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप कैसे इसे ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस स्टैम्प को कब रिलीज़ किया गया था। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प को 2001 में रिलीज़ किया गया था। 2001 में इस स्टैम्प की जो प्राइस थी फ्रेंड, वो सिर्फ 4 रुपीज़ थी। बट अभी इस स्टैम्प की जो करंट प्राइस है 2023 में, वो 120 रुपीज़ हो गया है। तो फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि ये स्टैम्प आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इस स्टैम्प को 2001 में आप कलेक्ट किए होते तो अभी आप इस स्टैम्प से 116 रुपीज़ का आप इसमें अर्निंग कर पाते। तो फ्रेंड, ये स्टैम्प आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस स्टैम्प को ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा। फ्रेंड, यदि आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं तो आप किसी फ्रेंड रिलेटिव या किसी दोस्त को आप ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये स्टैम्प आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस स्टैम्प को किस डेट को रिलीज किया गया था। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प को 25 सितंबर 2001 को रिलीज किया गया था, जिसका नाम चौधरी देवी लाल फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया स्टैम्प रखा गया था। ये स्टैम्प का इमेज है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया था कि इस स्टैम्प की जो प्राइस थी, जो जब रिलीज किया गया था इस स्टैम्प को, तो उस टाइम इसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ 4 रुपीज़ थी। बट अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो 120 रुपीज़ हो गया है। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि इस स्टैम्प को क्यों रिलीज किया गया था और किस डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। तो इसके लिए फ्रेंड, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिससे बताने वाला हूँ कि इस स्टैम्प को क्यों रिलीज किया गया था और किस डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। चौधरी देवी लाल वाज बॉर्न ऑन 25 सितंबर 1914 इन तेजाखेड़ा विलेज ऑफ हरियाणा वाज ए इंडियन पॉलिटिशियन। फ्रेंड, चौधरी देवी लाल का जो जन्म हुआ था वो 1914 में हरियाणा के तेजाखेड़ा विलेज में हुआ था, और ये एक इंडियन पॉलिटिशियंस थे। ही हेल्ड द रिस्पेक्टेड पोजिशन ऑफ द 6th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया के 6th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया है। ही ऑल्सो सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इन्होंने फ्रेंड हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ऑन 25 सितंबर 2001 ऑन दिस ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे। फ्रेंड, इनके 25 सितंबर 2001 को इनके बर्थडे के अवसर पर चौधरी देवी लाल इंडिया स्टैम्प वाज इशूड बाई द इंडियन पोस्टेज डिपार्टमेंट। फ्रेंड, इनके बर्थडे पार्टी पे 25 सितंबर 2001 को इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। इनका जो नाम रखा गया था स्टैम्प का, वो चौधरी देवी लाल फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टैम्प रखा गया था। फ्रेंड, इस स्टैम्प को इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके बर्थडे पार्टी पे इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड, ये स्टैम्प समझ सकते हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस स्टैम्प को इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस स्टैम्प के एट्रीब्यूट के बारे में। तो फ्रेंड, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड, इस स्टैम्प की जो कंट्री ओरिजिन है वो इंडिया है। सेट टाइप स्टैम्प है, रिलीज ईयर 25 सितंबर 2001 है। ज्योग्राफी वो सिंगल कंट्री है। स्टैम्प कंडीशन है वो न्यू है। इस न्यू स्टैम्प को फ्रेंड आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे सारी प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। तो आपको इस स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड, गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बाई इंडिया स्टैम्प आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, बाई इंडिया स्टैम्प। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना। ऐसी बाई इंडिया स्टैम्प आप सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाई इंडिया स्टैम्प फिलेसी, आपको केवल बाई इंडिया स्टैम्प फिलेसी पे ही आपको यहाँ पे केवल क्लिक कर देना है। आप जैसी बाई इंडिया स्टैम्प फिलेसी पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। और आप इस वेबसाइट से जो भी स्टैम्प या मिनिएचर शीट आप कलेक्ट करना चाहते हैं, उसे अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर आप किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, आप जो भी स्टैम्प आप कलेक्ट करना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। मैं अभी जिस स्टैम्प के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया चौधरी देवी लाल फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया,
उसके बाद ये स्टैंप आपके यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद आपको इस स्टैंप पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और इस स्टैंप की जो करंट प्राइस है फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि वो 120 रुपीज़ हो गया। तो आप यहाँ वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि इस स्टैम्प की जो करंट प्राइस है वो 120 रुपीज़ हो गया है। और यहाँ पे इस स्टैम्प का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको इस स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, यानी आप जितना इस स्टैम्प को कलेक्ट करना चाहते हैं 1, 2, 3, 5, 6 आप उस वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ शॉपिंग कार्ट में आ जाएंगे। शॉपिंग कार्ट में फ्रेंड आप यहाँ से भी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स फिल करनी है। बिलिंग डिटेल्स में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आपको ऑर्डर नोट्स में आप लिखना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेपल पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड टू पेपल पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ओपन हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट में फ्रेंड आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एक पेपल है, एक पे वीजा इंस्टा मोजो है, एक क्रेडिट कार्ड है। आप जिससे भी बाई करना चाहते हैं आप इस स्टैम्प को आप उससे कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्रेडिट कार्ड में फ्रेंड आपको यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, कार्ड कोड, सीवीसी कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये स्टैम्प आपका ऑर्डर हो जाएगा और आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि इस स्टैम्प को आपके घर तक कितने दिन में डिलीवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है कि आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप कैसे इसे ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड यदि आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी दोस्त का पैसे गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप भी आप इस स्टैम्प को कलेक्ट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को आप ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये स्टैम्प आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस स्टैम्प को ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा या फिर अपने फेवरेट कलेक्शन में आप इस स्टैम्प को ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में एक नए स्टैम्प, एक नए मिनिएचर शीट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड बाय, थैंक यू।